30 जनवरी 1948 की शाम जब महात्मा गांधी अपनी प्रार्थना सभा में सम्मिलित होने के लिए जा रहे थे, तभी नाथूराम गोडसे नामक व्यक्ति ने गोलियां चलाकर बापू की हत्या कर दी। पूरा देश शोक मग्न हो गया और पुलिस सदी के सबसे घृणित अपराध के अन्वेषण में लग गई। मैंने गांधी जी का वध किया, मेरे उस कार्यक्रम की वीर सावरकर को जरा भी जानकारी नहीं। बेरहमी से हुए इस विभाजन में 1.5 करोड़ लोग बेघरबार हुए हैं और लाखों अपनी जान गंवा चुके हैं। ऑब्जेक्शन माय लॉर्ड, ये महात्मा गांधी की हत्या का मुकदमा है, भारत के विभाजन का नहीं। और जिस प्रकार एक हारा हुआ जुआरी दांव पर दांव लगाता चला जाता है, उसी प्रकार गांधी जी भी दांव पर दांव लगा के चले गए। कहना अनुचित नहीं कि पाकिस्तान में हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति को मिटाने के लिए जो अत्याचार हो रहे हैं, उसका मूल कारण गांधी ही है। इंतजार था जिसका ये वो सहर तो